दोस्तों, यह है कर्नाटक के 31 जिलों में से एक महत्वपूर्ण यादगिरी डिस्ट्रिक्ट। यह जिला काफी नया है। वर्ष 2009 से पहले यादगिरी जिला नहीं हुआ करता था। कुछ लोग इसे यादगिरी के नाम से भी बुलाते हैं। यह जिला इससे पहले गुलबर्गा का हिस्सा हुआ करता था। वर्ष 2008 में कैबिनेट मिनिस्टर्स ने इसे अलग जिला बनाने की मांग उठाई थी। उसी समय इसके लिए IAS ऑफिसर अपॉइंट भी कर दिया गया था। 10 अप्रैल 2010 में ये नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया। ये जिला कर्नाटक के उत्तर पूर्व में बसा हुआ है, जो 6 तहसीलों को मिलाकर 5,234 वर्ग किलोमीटर के विशाल भूभाग पर विस्तृत बताया जाता है। इस जिले का आधिकारिक कार्यालय यादगिरी शहर में मौजूद है। जिले की विभिन्न संस्थाओं का संचालन इसी शहर से किया जाता है। इस जिले की डेमोग्राफी की बात करें तो यहाँ लगभग 11,74,000 विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। ये जनसंख्या तिमोर लेस्ते देश की जनसंख्या के बराबर है। जनसंख्या के मामले में ये देश के 640 जिलों में से 404वें पायदान पर आता है। यहाँ पर लगभग 85% लोग हिंदू धर्म में विश्वास करने वाले हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर 13% के शेयर के साथ इस्लाम धर्म मानने वाले लोग सबसे ज्यादा हैं। यहाँ की आबादी में 1000 पुरुषों की संख्या पर लगभग 927 महिलाएं पाई जाती हैं। यादगिरी ऐसा जिला है जहाँ पर आपको कर्नाटक की संस्कृति की एक प्योर झलक देखने को मिलती है। यहाँ के लोग कई भाषाओं में बात करते हैं। यहाँ की संस्कृति में सबसे ज्यादा लोग कन्नड़ा भाषा का इस्तेमाल करते हैं। माना जाता है कि यहाँ की लगभग 74% आबादी कन्नड़ा को ही अपनी मातृभाषा स्वीकार करती है। इसके अलावा 12% उर्दू, 7% लंबाड़ी और 5% तेलुगु के साथ साथ हिंदी भाषा भी बोलते हैं। इतिहास की बात करें तो बताया जाता है कि इस इलाके में लोगों ने लगभग 800 साल पहले रहना शुरू किया था। तब ये इलाका सातवाहन और चालुक्य साम्राज्य के अधीन हुआ करता था। समय का चक्का चलता रहा और अलग अलग समयावधि में यहाँ कई अलग अलग शासकों ने राज किया। आखिरी बार यहाँ असफ जाही डायनेस्टी का राज रहा, जो इस इलाके पर हैदराबाद से शासन करती थी। 1948 के बाद से ये इलाका स्वतंत्र भारत का अटूट हिस्सा बन गया। आज के समय ये जिला विकास के नए रास्तों पर आगे बढ़ रहा है। यहाँ की इकोनॉमी सबसे ज्यादा खेतीबाड़ी और प्रकृति से जुड़े कामकाज पर टिकी हुई है। यहाँ की भूमि काले रंग की मिट्टी और उर्वरा शक्ति से भरपूर है। यहाँ पर चने और ज्वार की खेती उच्च क्वालिटी की होती है। यहाँ की धरती को दाल के कटोरे के रूप में प्रसिद्धि हासिल है, क्योंकि यहाँ पर कर्नाटक में सबसे ज्यादा विभिन्न तरह की दालें उगाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ इंडस्ट्रियल एरियाज की ग्रोथ भी काफी अच्छी होने वाली है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यादगिरी जैसा जिला इन्वेस्टर्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर यूरेनियम से रिलेटेड इंडस्ट्रीज बनने वाली हैं, जिसमें यूरेनियम की प्रोसेसिंग और पावर जनरेशन प्लांट जैसे प्रोजेक्ट्स बनने की उम्मीद है। इससे आसपास के क्षेत्रों में भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। यहाँ पर फार्मास्यूटिकल और टेक्सटाइल जैसी इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा हैं। फूड प्रोसेसिंग यूनिट कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री में यहाँ कई हजारों लोग काम करते हैं। इस शहर की उभरती अर्थव्यवस्था में लोगों और गुड्स की कम्यूट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बिल्ड किया जा रहा है। यहाँ का यादगिरी रेलवे स्टेशन यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन है, जो मुंबई और चेन्नई जैसे बड़े महानगरों के मध्य में मौजूद है। यहाँ से रायचूर और कलबुर्गी पास में ही पड़ते हैं। इस जिले से कई स्टेट हाईवेज भी गुजरते हैं, जो हैदराबाद, बेंगलोर, गोवा जैसे बड़े शहरों तक कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाता है। यहाँ की सड़कों पर आपको KA यानी कर्नाटक 33 नंबर प्लेट वाले वाहन दौड़ते मिल जाएंगे। उम्मीद है आपको यादगिरी के बारे में ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद एक्सप्लोर YRS।